नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। विधानसभा से अखिलेश यादव अपने विधायकों के साथ निकले पैदल मार्च यात्रा पे। यूपी में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सपा विधायकों का हुआ वॉकआउट। मणिपुर में कांपी धरती, महसूस किए गए भूकंप के झटके, तीव्रता रिक्टर पैमाने पर। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर, पूर्णिया और किशनगंज में करेंगे रैली। फरीदाबाद में बारिश की वजह से स्कूल बंद, कर्मचारियों को WFH कराने के दिए निर्देश। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का इलेक्शन, आज करेंगे राज्यपाल से मुलाकात। नेपाल में एक मिनी बस हादसे का शिकार, 7 लोगों की मौत तो वहीं 8 से 10 लोगों के घायल होने की जानकारी। उड़ीसा में नशीले पदार्थों की जांच के दौरान 100 किलो चांदी की ईंटें और 10 किलो कैश हुआ बरामद। मुंबई में TTFI के 5 आरोपियों को 26 सितंबर तक ATS की हिरासत में भेजा गया। और नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 24 सितंबर से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया।